बिग बॉस 16 शुरू हो चुका है और बिग बॉस 16 के साथ साथ अब वॉर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पहली नॉमिनेशंस लिस्ट हमने आपको बताई कि कौन से कंटेस्टेंट पहले हफ्ते ही नॉमिनेट हो चुके हैं, वो भी बिना किसी रीजन के। जी हाँ, क्योंकि बिग बॉस ने साफ वार्निंग दे दी कंटेस्टेंट्स को कि यहाँ पर आप अच्छेपन का चोला मत पहनिए, यहाँ पर आप डिसेंसी का चोला मत पहनिए और डबल शुगर कोटनेस जो है वो मत दिखाइए, जो है वो जेन्युइनली बताइए। और इसीलिए बिना रीजन के कंटेस्टेंट्स को कहा गया कि आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट करेंगे। ऐसे में नॉमिनेशन लिस्ट में थे शिव, साजिद, एमसी स्टैन, गोरी नागोरी एंड ऑफकोर्स अर्चना गौतम। ये सारे लोग नॉमिनेटेड हैं। इनमें से मैं आपको बताने आ गई हूँ कि कौन नॉमिनेशंस की लिस्ट में, जी हाँ, किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं और जनता इन 6 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से किसको सबसे ज्यादा प्यार दे रही है। तो देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में कई सारे एक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर नॉमिनेटेड हैं। जैसे हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स गौतम है, यू नो, साजिद हैं, अर्चना हैं। तो इन सभी की नॉमिनेशंस लिस्ट में जो सबसे लो पर है, मैं आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर 6 पर है अर्चना, जिन्हें मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 0.75%। जी हाँ, 0.75% लोग ही उन्हें वोट कर रहे हैं। देखिए, थ्रू आउट अगर आप 3-4 दिन का भी एपिसोड देखें तब भी आप इस बात को समझ जाएंगे कि अर्चना को जनता जो है वो थोड़ी सी क्रिंज मान रही है और जनता का कहना है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अगर कॉन्टेंट देने की बात है तो वो कॉन्टेंट तगड़ा दे रही है, फिर भी उन्हें वोट्स काफ़ी कम है। कंटेंट जो नहीं दे रही है वो है गोरी नागोरी, जो क्योंकि हमने खुद भी बिग बॉस के घर में कई बार देख लिया है कि यू नो वो बहुत कम नजर आ रही है, वो सिर्फ डांस कर रही है, वो बात अलग है, बट उसके अलावा वो घर के मेन डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं हो रही है और इसीलिए गोरी नागोरी को मिल रहे हैं तकरीबन 1.19% वोट्स। जी हाँ, नंबर 6 मैंने बताया अर्चना, नंबर 5 मैंने बताया गोरी नागोरी, नंबर फोर्थ पर है 1.79% के साथ शिव ठाकरे। जी हाँ, देखिए, शिव जो है वो मराठी सीजन के विनर रह चुके हैं तो उन्हें तो और भी ज्यादा वोट्स आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो देश की जनता है वो शिव को ज्यादा वोट्स नहीं कर रही है तो इसलिए उन्हें सिर्फ 1.79 वोट्स मिल रहे हैं। नंबर 3 पर है गौतम विग, गौतम विग को 2.66% लोग पसंद कर रहे हैं और उन्हें वोट्स जो है वो इसी रेशो में मिल रहे हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पर शॉकिंगली है साजिद खान। जी हाँ, नंबर 2 पर साजिद खान है क्योंकि कई सारे लोगों ने घर पे भी ये कहा कि साजिद की इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं है, हालांकि एपिसोड्स में साजिद फ्रीक्वेंटली नजर आ रहे हैं, तो साजिद खान को मिल रहे हैं 5.92% ऑफ वोट्स। और वहीं जो सबसे लास्ट है वो है एमसी स्टैन। जी हाँ, 87.69, यानी कि सबसे टॉप पर है, मैंने नीचे से बताना शुरू किया था। सो अर्चना, गोरी, शिव, गौतम, साजिद खान एंड सबसे टॉप पर है एमसी स्टैन विद अप्रॉक्सिमेटली 87.69% ऑफ वोट्स। तो एमसी जो है वो तो शो से जाने से रहे, पहले हफ्ते एमसी स्टैन ही सेव हो रहे हैं क्योंकि वोटिंग ट्रेंड्स इस वक्त ये बता रहे हैं। आपको क्या है कहना इस पर, बताइएगा।